खरीदा है जिसका दाम कितना है 1,41,000 और इशू किया है 15% डिवेंचर है ना 100 करके ईच और डिस्काउंट दिया है 6% सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज प्राइस के कंसीडरेशन के बदले में जो बिल्डिंग खरीदा है उसके बदले में क्या किया है डिवेंचर इशू किया है वो भी 6% डिस्काउंट में तो पता वाला बात तो इन द बुक्स ऑफ कर देते हैं इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है नरेश एंड कंपनी लिमिटेड ठीक है अब जनरल कर देते हैं चलिए पहला एंट्री क्या हो गया खरीद रहा है ना नरेश एंड कंपनी इससे दिया नहीं जिसे खरीद रहा तो क्या कर देंगे वेंडर चेंज करेंगे वेंडर तो बिल्डिंग आ रहा है बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे अब सेलर का नाम नहीं दिया है तो क्या दे देंगे वेंडर ठीक है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,41,000 1,41,000 ठीक है ये हो गया सेकेंड है वेंडर को क्या दे रहे हैं डिबेंचर दे रहे हैं ना तो वेंडर को डेबिट कर देंगे क्योंकि वेंडर क्या हो गया रिसीवर को डेबिट करते हैं और डिस्काउंट में दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फुल फॉर्म लिखिएगा ठीक है याद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू कितना परसेंट डिबेंचर है 15% डिबेंचर्स है ना तो वो आ जाएगा ठीक है अब वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट अब यहां देखिएगा 1,41,000 6% डिस्काउंट दिए मतलब ये कितना हो गया 94 हमको चाहिए वैल्यू कितना 100 ठीक है ना तो 1,41,000 डिवाइड बाय 94 6% डिस्काउंट दिए ना तो देखिए 6% डिस्काउंट देंगे तो 100 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 94 तो है ना तो 94% है तो अब हमको 100% निकालना है कितना आया 1,50,000 ठीक है अब डिस्काउंट दिए कितना 1,50,000 में से 1,41,000 चला गया कितना बचा 9,000 डिस्काउंट दिए हाँ उसको दिए कितना 1,41,000 का डिबेंचर दिए ठीक है ना 9,000 का डिस्काउंट हो गया टोटल डिबेंचर का वैल्यू कितना है 1,50,000 रुपया कितना है 1,50,000 रुपया वेंडर को दिए 1,41,000 और डिस्काउंट हो गया 9,000 ठीक है किसी को प्रॉब्लम है